दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो हमारा चैनल जरूर आप सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलें। आपके सामने एक और नई वीडियो लेकर, और आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि थपकी जो थाप मारते हैं ढोल पे, उस के रिलेटेड ये ताल है जिसमें हम ये थाप मारते हैं, इसको थपकी भी बोल देते हैं। ये थाप देखिए कैसा बनती है, ये तीन फिंगर है, इनको बीच में मारेंगे, बीच में, तो ये थपकी की आवाज आएगी। तो जो ये आप अभी सुन रहे थे ताल, वो क्या है, तो जो ये मैं ताल बजा रहा हूं इसके बोल क्या है, धिट नाना तिट धाना, धिट नाना तिट धाना, देखिए धिट नाना तिट धाना, 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 तो ये इसके बोल है। चलिए बजाना सीखते हैं, इसको कैसे बजाएंगे। देखिए धिट, ये देखिए तिट, ये तिट है, ये तीन फिंगर से जो बीच में मार रहे हैं ये है तिट। जब घे साथ में बजाएंगे तो ये बन जाएगा धिट, धिट, ये जो बोल बज रहा है ये है धिट। देखिए कैसे आएगा धिट, इस तरफ कैसे आएगा धिट। तो क्या बोला है, धिट नाना, नाना का मतलब ये वाला खाली, कैसे बजेगा धिट नाना, उसके बाद धिट, धिट ये खाली, हम इसको ये धिट है, बीच में इसको थोड़ा जोर से मारेंगे उतनी अच्छी आवाज आएगी। देखिए कि मैं बिल्कुल नॉर्मल हाथ से बजा रहा हूं इसको, तो फिर भी कितनी अच्छी आवाज आ रही है, देखिए टिट, ठीक है, धिट नाना टिट धाना, धाना कैसे बजेगा, दोनों कट्ठे, एक ता और इधर घे, ये धा फिर खाली ये ना। चलिए एक बार फिर समझाते हैं, बिल्कुल धीरे बजाएंगे, बीच वाली फिंगर से घे, जब धिट और घे को बजाएंगे तो ये बन जाएगा धिट, धिट, धिट। तो बोल क्या है हमारे, धिट नाना, तो नाना, ठीक है, फिर तिट खाली बिना घे के, तिट, तिट धाना, धा दोनों कट्ठे, धा फिर ना, ये ना, ठीक है। चलिए एक बार इसको बजाते हैं, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल धीरे बजाएंगे इसको, तो बहुत अच्छी ताल है ये, बहुत सुंदर लगती है, कैमरा का ये प्रकार है, तो आप इसको बजाएंगे तो बहुत प्यारी लगती है ताल, और सुनने में बड़ी आकर्षक लगती है, क्योंकि ये थाप जैसे हम देखते हैं ना सोए हुए को उठा देती है, इसमें इतनी जान होती है थाप में, तो वो हमारे बजाने के तरीके से उसकी आवाज नहीं करती है, नहीं तो लोग ऐसा सोचते हैं कि ये फट जाएगा, लेकिन फटता नहीं है ये, इसका तरीका ऐसा है कि आप इसको अच्छे से बजाएंगे बहुत अच्छी और आकर्षक आवाज आती है, दमदार आवाज आती है। अगर खुला मारेंगे जैसे हरियाणवी बजती है तो उसमें बहुत अच्छा प्रयोग होता है इसका, दोनों कट्ठे को मारते हैं हम तो बहुत दमदार आवाज आती है।
तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा कि किस प्रकार हम इसको बजा सकते हैं। ये थाप है, थाप बोलते हैं इसको साधारण भाषा में, जो थाप वाली ताल है। तो ये बहुत ही सुंदर ताल है और आप आसानी से सीख सकते हैं। तो अगर आपको कोई डाउट है इस वीडियो में, इस ये ताल में, तो आप इस वीडियो के जो कमेंट में आप ये डाल सकते हैं कि जो भी आपका डाउट है वो मैं पूरी कोशिश करूंगा क्लियर करने की। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज आप इसको लाइक करें, कमेंट करें, और हाँ, मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।